हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूँ, देख सकते हैं जंगल। और आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों जंगल में जो पक्षी होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे पक्षी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं अच्छे अच्छे पक्षी दिखाऊँगा आपको और दोस्तों जंगल का टूर भी कराऊँगा दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं जंगल के दूसरे वाले हिस्से में हूँ और आपको यहाँ का टूर कराऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो दोस्तों, इधर जो है काफ़ी सारे पक्षी हैं दोस्तों। ये जो वाइट कलर के पक्षी होते हैं दोस्तों, ये जो है इधर खेत में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इधर मैं जूम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। तो इधर भी हैं, काफ़ी सारे हैं दोस्तों। तो उधर चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी ये जो है दोस्तों, अगर हम पास ज़्यादा पास जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे दोस्तों। और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरीके से उड़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों जब पक्षियों को देखते हैं हम। और अभी देख सकते हैं, इतने सारे पक्षी देख सकते हैं दोस्तों, ये उड़ के जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों ऐसे ही पक्षी देखकर। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, जो बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। तो वो पक्षी काफ़ी दूर निकल गए दोस्तों। और यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सीन है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो पक्षी थे दोस्तों, वो सारस की प्रजाति थे, जो वाइट कलर के पक्षी थे, बहुत ही प्यारे पक्षी थे दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, जब उनके पास हम गए दोस्तों, तो वो जो है उड़ गए दोस्तों और काफ़ी दूर चले गए दोस्तों। तो अभी जो है हम दोस्तों बाग के दूसरे साइड में चलेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अनोखी अनोखी चीज़ें दिखाएंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं नज़ारा। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रास्ता यहां से लगा है और एक रास्ता यहां से। तो दोस्तों, हम इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, हम इस वाले रास्ते से जाएंगे और आपको इस रास्ते में काफ़ी कुछ है उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी चल रहे हैं दोस्तों और आपको सारा कुछ नज़ारा दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बाग का नज़ारा है, जो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है भाई। और एक पेड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसकी पेड़ की जड़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और कितनी दूर में फैली हुई दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर में फैली हुई है जड़े दोस्तों। और ये काफ़ी बड़ा पेड़ है दोस्तों। और यहाँ से बाग का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो अभी दोस्तों हम बाग के उस वाले हिस्से में जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। तो अभी मैं नहीं बताऊँगा दोस्तों, वहाँ पर चल के आपको दिखाऊँगा नज़ारा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं दोस्तों चल रहा हूँ इस रास्ते से, तो जहाँ से हमने एंट्री किया था दोस्तों, ये बाग का दोस्तों, यहीं से बाग के अंदर हम एंट्री करते हैं। तो इधर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये तो ये दोस्तों बाग के अंदर जाने का रास्ता है। और यहीं से हम दोस्तों एंट्री करके बाग के अंदर गए थे। अब यहीं से वापस आके दोस्तों इस वाले साइड में चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी यूनिक चीज़ दिखाएँगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है भाई। आप देख सकते हैं ये रास्ता लगा है, ये दोस्तों बहुत ही पतला रास्ता है, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ झाड़ियाँ हो चुकी हैं। अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे चल के आपको सारा कुछ नज़ारा दिखाएंगे। तो आप व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। और ये दोस्तों दूसरी वाली टंकी है, एक टंकी दोस्तों वहाँ पर थी, तो वाली टंकी थी दोस्तों जिसमें जानवर फंसा था। और इधर दोस्तों एक टंकी इधर है, तो दो टंकी है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये वाली टंकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये है टंकी का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। एक समय था दोस्तों इसी में सब लोग एक साथ नहाते थे, तो अभी कुछ इस प्रकार की इसकी हालत हो चुकी है दोस्तों। ये भी बहुत पुरानी टंकी है दोस्तों। और अभी मैं दोस्तों इधर चल रहा हूँ और इधर चल के आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो इधर मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो है केले का पेड़ है दोस्तों, और ये जो है अमरूद का पेड़ है दोस्तों। ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। और अभी मैं दोस्तों चल रहा हूँ, आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। तो इधर मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, इसी तरीके से आप जो पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला पौधा, ये पौधा दोस्तों हल्दी है,
जिसे हल्दी जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से दोस्तों इसको बैठाया जाता है। इसमें दोस्तों हल्दी भी होती है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। ये सामने दोस्तों आप जो देख रहे हैं गन्ने हैं, तो गन्ने को मैं आपको उस साइड से दिखाऊंगा दोस्तों, उस साइड से मैं आपको गन्ना दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारे दोस्तों गन्ने हैं, तो इधर मैं चलता हूँ और आपको गन्ने दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इधर गन्ना है दोस्तों, इसे गन्ने भी बोल सकते हैं, गन्ना भी बोल सकते हैं। तो ये तो भाई काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ गन्ने, तो आप देख सकते हैं ये गन्ने हैं, तो ये धीरे धीरे दोस्तों काफ़ी मोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जूस भी निकाला जाता है और पिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और इसका गुड़ भी बनता है दोस्तों, चीनी भी बनती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गन्ने हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और ये काफ़ी बड़े बड़े हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ का व्यू देखिए भाई, तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। अभी ज़्यादा धूप नहीं है दोस्तों, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों रोड लगा है, तो ये जो है कच्चा रोड है, तो यहीं से दोस्तों बाग के अंदर यहाँ से भी आ सकते हैं और उस वाले साइड से भी आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने आपको गन्ने दिखा दिए, तो यही था दोस्तों यूनिक चीज़ें जो गाँव की है दोस्तों। और काफ़ी कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए, जैसे गन्ना और काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।